ड्रीम इलेवन पे अगर आप भी खेल रहे हैं और ड्रीम इलेवन पे 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर खेल रहे हैं और उसमें लॉस हो रहा है, तो आखिर आपको किस तरीका से टीम बनाना है वो सारा कुछ इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जो हेड टू हेड का टीम होता है उसे 2 मेंबर छोड़ के 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर यहाँ तक कि 10 मेंबर में यूज कर लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम होता है, आपका रैंक अच्छा खासा नहीं आ पाता है और उस वजह से आप लॉस में रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज से आपको कैसे बचना है और ड्रीम इलेवन पे हमें 3 मेंबर 4 मेंबर का टीम हमें किस तरीके से क्रिएट करना होता है, क्या लॉजिक है उसमें, सारा कुछ आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधे चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो मोबाइल स्क्रीन जैसा कि आप साइड में देख पा रहे होंगे, हम किसी भी एक मैच को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद आपको 2 मेंबर और 3 मेंबर का टीम किस तरीके से क्रिएट करना है और कौन सा गलती हमें नहीं करना है वो चीज हम समझेंगे। तो चलिए सीधा सीधी चलते हैं ड्रीम इलेवन टीम बनाने के। अब तो जैसा कि रेंडमली हम किसी भी एक मैच को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बांग्लादेश प्रीमियर लीग का मैच ये चालू होने वाला है, तो इसका हम टीम आपको बना के दिखा देते हैं कि आखिर 2 मेंबर 3 मेंबर का टीम हम किस तरीका से क्रिएट करेंगे और आपको किस तरीका से क्या लॉजिक लगाना होगा कि आप हारे नहीं। ठीक है, तो चलिए क्रिएट टीम पर क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट टीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, विकेट कीपर सेक्शन, बैट्समैन सेक्शन, बॉलिंग सेक्शन, ऑलराउंडर सेक्शन। ठीक है, अब चारों में से हमें क्या करना होता है, 22 खिलाड़ी होता है, 22 में से हमें टोटल 11 खिलाड़ी चुनना होता है। वो भी 11 कौन, परफेक्ट 11 होना चाहिए जो हमें जिता दे। ठीक है, तो कैसे सेलेक्ट करना है वो चीज समझेंगे। तो जैसे कि सभी लोग करते क्या है गलती वो चीज समझिए, आपको दिखा देते हैं क्या गलती करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, कुशाल मेंडिस, साई होप, उसके बाद यहाँ देखिए एम हसन जॉय, फर्नांडो और आपको नजबुल्ला जदरान, ऑलराउंडर सेक्शन से ब्रदर सैफर्ट, डिसिल्वा, कैम्फर, उसके बाद नवाज, बॉलिंग सेक्शन से बिलाल खान, उसके बाद आ जाइए आपका एन अहमद या फिर ए हुसनैन, ए अहमद ले लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये टीम बना लिया, अब इसमें क्या करेंगे, सभी लोग कैप्टन वाइस कैप्टन किस तरीके से चुन करेंगे। देखिए यहाँ पे जिसका सिलेक्शन परसेंटेज ज्यादा होगा उन सभी खिलाड़ियों को अपने टीम में ले लेंगे और जिसका सिलेक्शन परसेंटेज कैप्टन वाइस कैप्टन में ज्यादा होगा उसको चूज कर लेंगे। तो ये तरीका गलत है, इससे आप टीम अगर बना भी लीजिएगा 10 मैच में एक आध मैच जीत जाइएगा, लेकिन 10 में 8 आपको कम से कम जीतना होता है, लेकिन आप 1-2 मैच जीत रहे हैं तो सोचिए कि कितना लॉस हो रहा है आपका। तो इस तरीका से आपको टीम बिल्कुल नहीं बनाना है। ठीक है, कैसे बनाना है वो चीज आज आप सीख लीजिए, आपको ये जो ट्रिक है बहुत काम आने वाला है 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर में बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ के जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसको हम पहले डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ हम फिर से टीम क्रिएट करेंगे। तो पहला पॉइंट आप समझ लीजिए कि ड्रीम इलेवन टीम में अगर 3 मेंबर 4 मेंबर का टीम बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 6 से 7 आपको कॉमन प्लेयर लेना होता है। ठीक है, यह चीज समझ लीजिए, 6 से 7। ठीक है, किसमें, 3 मेंबर या 4 मेंबर। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, आपको यहां से पहले इसको हम हटा देते हैं। कॉमन किसको कह सकते हैं, तो कॉमन का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे वो चीज समझिए। तो पहले आपको लेना है कितना, 70 से 100 के बीच में। ठीक है, जो भी प्लेयर आते हैं उसको आपको टीम में ले लेना है। ठीक है, तो 70-72 बिलाल खान हो गया, उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में सी कैम्फर हो गया, डिसिल्वा हो गया, उसके बाद फर्नांडो हो गया, एम हसन जो हो गया, उसके बाद आ जाइए
अब यहाँ पे देखिए पांच हुआ है और कोई है 70 से प्लस, कोई नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करना होगा, पांच प्लेयर हमने ले लिया जो कि 70 से 100 के बीच में है, ठीक है। अब उसमें से हमें कम से कम दो खिलाड़ी और लेना होगा, तो दो खिलाड़ी वो कैसे लेंगे, तो अब आ जाइए 60 से 70 के बीच में, तो 60 प्लस जो है उसको आप अपनी टीम में ले लीजिएगा। ऐसे में आप देख लीजिए यहाँ पे साई होप, अब आ जाइए ऑलराउंडर सेक्शन में तो कोई है ही नहीं, बॉलिंग सेक्शन में देख लेते हैं। बॉलिंग सेक्शन में एन अहमद, ए हसनैन, उसके बाद ये आपका हो गया 8 खिलाड़ी, यानी कि 8 खिलाड़ी हो गया आपका कॉमन। 7 से 8 प्लेयर, ठीक है, मिनिमम 6 से 7 और मैक्सिमम 6 से 8, ठीक है, कॉमन आपको होना चाहिए, 3 मेंबर या 4 मेंबर का लीग अगर आप खेल रहे हैं तो। अब इसमें से 3 प्लेयर आपका बच रहा है, उसको कैसे लेना है वो चीज समझेंगे। तो उसको आपको लेना होगा जिसका सिलेक्शन परसेंटेज 40 से कम हो, ठीक है, 40 से कम हो तो उसको आप ले सकते हैं। तो 40 से कम वाला कौन प्लेयर है उसको देख लेते हैं। तो बॉलिंग सेक्शन में एक हो गया एम वसीम, उसके बाद एक हो गया आपका यहाँ पर देखिए एम एस इस्लाम है, उसके बाद आपका हो गया कुशाल रंजीता, ठीक है। और अगर देख लेते हैं इससे कोई अच्छा हमारे पास ऑप्शन, तो एक हो गया मोहम्मद नवाज, ठीक है, और इससे भी बढ़िया कोई ऑप्शन अगर आपको दिखे तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से आपको सेलेक्ट करना है टीम। कैप्टन वाइस कैप्टन आपको कैसे चुनना है वो समझ लीजिए। कैप्टन वाइस कैप्टन का बात करें तो कैप्टन में आपको ये देखना होगा कि सभी लोग किसको बना रहे हैं, ठीक है। तो कैप्टन जिसको सब बना रहे हैं उसको आप भी बना दीजिएगा। आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, आप चाहें तो दो कंडीशन में, या तो कैप्टन वाइस कैप्टन सेम रहने दीजिएगा, जो 3 प्लेयर आप चुने हैं वो डिफरेंट कर दीजिएगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। और नहीं तो अगर कहीं एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो वाइस कैप्टन में आप चेंज कर लीजिएगा। तो वाइस कैप्टन में आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो वाइस कैप्टन में आप देख सक रहे होंगे यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि सभी लोग डी सिल्वा को वाइस कैप्टन करेंगे, ठीक है, कैप्टन तो मान के चलिए सी कैंपर को कर ही दिए हैं। तो आपको अगर कुछ डिफरेंट करना है, ऐसे आप चाहें तो डी सिल्वा के साथ भी जा सकते हैं, अगर कुछ डिफरेंट करना है, आपको थोड़ा सा भी सस्पेंस है, तो आप सीधा सीधी साई होप के साथ चले जाइए, ठीक है, क्योंकि इनका सिलेक्शन परसेंटेज और इनका सिलेक्शन परसेंटेज में जमीन आसमान का अंतर है। डी सिल्वा आपको हर एक का टीम में वाइस कैप्टन मिलेगा, सी कैंपर आपको हर एक का टीम में कैप्टन मिलेगा। आप सोचिए कि दोनों में से कैप्टन अगर आप सेम बना दिए वो आउट भी हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वाइस कैप्टन मान के चलिए डी सिल्वा है, अगर अगला टीम में रखा है फ्लॉप कर जाता है तो आपका साई होप चल गया। अगर ऐसे तो आपके टीम में डी सिल्वा है ही, तो है तो आपको कितना ज्यादा पॉइंट देगा, आधा पॉइंट। अगर मान के चलिए डी सिल्वा जल्दी आउट हो जाता है, ठीक है, तो उस समय आपका साई होप काम कर जाएगा। हालांकि डी सिल्वा को रखना इसलिए प्लस पॉइंट है क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग से दोनों से पॉइंट देते हैं, ठीक है। तो अभी ऐसा अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं मिले तो डी सिल्वा के साथ जा सकते हैं। बाकी 2 से 3 खिलाड़ी जो चेंज किए हैं 40% से नीचे वाला, उसमें कुछ आप फेरबदल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीका से अगर आप टीम बनाइएगा तो आपका ड्रीम 11 3 मेंबर 4 मेंबर में यूनिक टीम बनने वाला है, ठीक है, और इससे आपको कोई हरा नहीं सकता है, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपका यहाँ पे देखिए सारा फॉर्मूला इसमें यूज हो गया। ये टीम को आप चाहें तो मिनी जीएल में भी लगा सकते हैं, ये टीम आपका अच्छा खासा रैंक में आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात रह गया कि ये जो मैच है तो मैच में हम ज्वाइनिंग कब करें, तो लीग ज्वाइन करने का तरीका है आपको लास्ट मिनट में मत कीजिएगा, लास्ट आधा घंटा जो होता है उसमें मत कीजिएगा। मैच स्टार्ट होने से 3 घंटे 4 घंटे पहले अगर आप लीग ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें आपको कमजोर अपोनेंट मिलने का चांस रहता है। ऐसे जानते हैं कि लास्ट टाइम में
सब एक से एक बड़े यूट्यूबर होते हैं या फिर एक से एक आपको अपोनेंट मिल जाएंगे, तो आपका वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि लास्ट टाइम में सभी लोग एडिट करके लगाते हैं और आपका किसके साथ भिड़ जाइएगा पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो उससे बढ़िया है कि 3-4 घंटा पहले हम टीम क्रिएट कर लेंगे, हालांकि हम टॉस अपडेट के बाद उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद कर आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी प्रकार का अगर क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं पार्टिकुलर वीडियो बनाने का आपके लिए कोशिश करूंगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।